हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा प्रूफ के साथ कि अगर आप पीएफ अप्लाई करते हैं, पीएफ निकालने के लिए जब अप्लाई करते हैं तो जो पीएफ का जो पैसा है कितने दिन में आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। काफी सारे वीडियो आपने देखी होंगी, बताते हैं कि 7 से 10 दिन में आपके बैंक अकाउंट में पीएफ का पैसा क्रेडिट हो जाता है। हालांकि ईपीएफओ का भी नियम यही है कि 7 से 10 दिन के अंदर आपका जो पीएफ का पैसा है, आपने जो अप्लाई किया है पीएफ निकालने के लिए, चाहे वो पीएफ फुल पीएफ निकालने के लिए अप्लाई करा हो या फिर एडवांस पीएफ के लिए आपने अप्लाई किया हो, 7 से 10 दिन के अंदर अगर बीच में कोई छुट्टी नहीं आती है, हॉलीडे नहीं आता है, शनिवार संडे नहीं पड़ता है, तो 7 से 10 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में वो पैसे क्रेडिट कर देता है अगर सब कुछ ठीक रहा तो। मैंने पीएफ अप्लाई कब किया था और कितने दिन में पीएफ का पैसा मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया था। तो फ्रेंड्स, जब आप पीएफ निकालने के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे वो पूरा पीएफ हो या फिर एडवांस पीएफ हो, और जब आपके पास इस तरह का मैसेज आता है आपके मोबाइल में कि भाई आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे क्रेडिट हो गए हैं, तो यार उसकी जो खुशी होती है ना, वो रियली में काफी अच्छा लगता है। भले ही वो पैसा हमारा हो, बट हमें एक सुकून सा मिल जाता है कि हमारा जो पैसा है हमें सफलतापूर्वक हमारे बैंक अकाउंट में आ गया है, हमें मिल गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे देखिए मैंने जो है सबमिट कर दिया था क्लेम जो है ऑनलाइन पीएफ निकालने के लिए। यहाँ पे देख सकते हो सक्सेसफुली भी हो गया था। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ पूरी डिटेल से कि कौन सी डेट को। यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज में मैं गया और यहाँ पे ट्रैक क्लेम स्टेटस में जब आप क्लिक करेंगे, मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे देख सकते हो ट्रैकिंग आईडी ये है और फॉरम टाइम फॉरम 31 यानी कि एडवांस फॉरम, और सबमिट मैंने कब किया था 13 फरवरी 2020 को सबमिट किया था 6:20 पे, और करंट स्टेटस था उस टाइम ऑनलाइन क्लेम सबमिटेड एट पोर्टल। तो ये देख सकते हो 13 फरवरी को मैंने जो है पीएफ निकालने के लिए अप्लाई किया था शाम को 6:20 पे। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ ऑनलाइन सर्विसेज का ये जो ऑप्शन है इस पर, और यहाँ पे देखिए ट्रैक क्लेम स्टेटस, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे फॉरम 31 और ये मैंने सबमिटेड एट पोर्टल 13 फरवरी 2020 को 6:20 पे किया था, और सेंड टू फील्ड ऑफिस मतलब कि ईपीएफओ का जो ऑफिसर है जो वेरीफाई करता है उसके पास मेरी रिक्वेस्ट चली गई थी 14 फरवरी 2020 को 4:56 पे, और अभी जो है करंट स्टेटस क्या है, क्लेम सेटल्ड मतलब पैसा सेटल हो गया, पैसा अकाउंट में आ गया, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। अब यहां पे मैं आ गया हूं, यहां पर हम पासबुक चेक कर सकते हैं और क्लेम स्टेटस अच्छी तरह से यहां पे चेक कर सकते हैं, और वहां पर तो क्लेम सेटल दिखा रहा था, यहाँ पे तो देख सकते हो क्लेम सेटल ही दिखा रहा है और यहाँ पर पूरी डिटेल से बता देगा आपको। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 12 डिजिट का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, और ये कह रहा है 32 और 5 कितने होते हैं, मैंने 37 यहाँ पे कर दिया, जोड़ कर दिया, और मैं कर लेता हूँ लॉगिन। और जैसे लॉगिन करेंगे इस तरह से लॉगिन हो जाएगा, और अब यहाँ पे सेलेक्ट मेंबर आईडी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तो जो है मेंबर आईडी मैं यहाँ पे मेरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाली सेलेक्ट कर ली। अब मैं यहाँ पे देखिए ऑप्शन है व्यू क्लेम स्टेटस, इस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहां पे देख सकते हो आ गया है क्लेम स्टेटस, क्लेम आईडी, ये मेरी क्लेम आईडी है, क्लेम रिसिप्ट डेट यानी कि ईपीएफओ ऑफिस को जो है कब रिक्वेस्ट मतलब मिली थी, उन्होंने कब मेरा जो है वेरीफाई करा था, मैंने 13 को अप्लाई किया था, 14 को उन्होंने रिसिप्ट कर लिया, उन्होंने वेरीफाई प्रोसेस शुरू कर दिया था, तो 14 फरवरी को उन्होंने देखिए जो है रिसीव हो गया था उनको, और क्लेम फॉर्म टाइप था 31 और मैंने क्या पारा डिटेल्स मैंने डाली थी, इलनेस डाला था, और मैंने टोटल अमाउंट डाली थी 5000 रुपये डाला था, 5000 रुपये निकालने के लिए, और देखिए डिस्पैच डेट 19 फरवरी 2020 को, और क्लेम स्टेटस सेटल्ड रिमार्क में योर क्लेम, ये क्लेम आईडी हैज बीन सेटल्ड, पेमेंट सेंड वाया NEFT ऑन 19 फरवरी 2020। मैंने 13 तारीख को यहाँ पे देखे, 13 तारीख को मैंने अप्लाई किया, 14 को रिक्वेस्ट सबमिट हुई मतलब उनके पास पहुंच गई ईपीएफओ ऑफिस के पास, और 19 फरवरी 2020 को मेरे को मैसेज आता है योर ऑनलाइन क्लेम फॉरम 31 यहाँ पे देखिए मेंबर आईडी है दे रखी है हैज बीन अप्रूव्ड फॉर अमाउंट, जो मैंने अमाउंट भरी थी ऑन 18/2/2020 यानी कि 18 फरवरी 2020 को अप्रूव हो गई, एंड शैल शोन बी सेंड टू योर बैंक अकाउंट एंडिंग विद, ये बैंक अकाउंट के लास्ट के 4 डिजिट है। तो ये मेरे पास मैसेज आया 19 फरवरी को, और 18 फरवरी को जो है मेरी रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई थी ईपीएफओ के द्वारा। उसके बाद देखिए मेरे पास 20 फरवरी 2020 को मैसेज आता है योर ऑनलाइन क्लेम फॉरम 31 यहाँ पे मेंबर आईडी दे रखी है इज सेटल्ड फॉर आरएस, जो मैंने अमाउंट भरी थी वो ऑन 19/2/2020 यानी कि 19 फरवरी 2020 एंड विल बी क्रेडिटेड इन विद इन
थ्री वर्किंग डे इन बैंक अकाउंट, और जो है मेरा बैंक अकाउंट के लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पे दे रखा है। तो देखिए, तो देख सकते हो 19 तारीख को जो है सेटल हो गया था अमाउंट, 20 तारीख को मेरे को मैसेज आया था, एक दिन बाद आया था, और आज जो है 20 तारीख है, और 20 तारीख को मेरे पास मैसेज आता है, डियर कस्टमर योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिट विद INR, मतलब इंडिया का जो रुपया रहता है वो INR में रहता है। यहाँ पे देखिए अमाउंट दे रखी है, इन्फो NEFT EPFO NEFT के द्वारा पैसा भेजता है, और उनका जो बैंक रहता है वो SBI से वो ट्रांसफर करता है। यहाँ पे देख सकते हो NEFT SBI, और उनकी जो बैंक की डिटेल है जो भी है वो यहाँ पे दे रखी है, और यहाँ पे दे रखा है इम्प्लॉय, और यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस दिखा रखा है। तो देख सकते हो कि मैंने जो है ये जो PF का पैसा निकालने के लिए 13 तारीख को अप्लाई किया था, 13 फरवरी 2020 को, और 20 तारीख को मेरे अकाउंट में जो है अकाउंट में जो पैसा है वो क्रेडिट हो गया था। तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 3, 3, 6, 2, 8 दिन में जो है मेरा PF का पैसा, जो मैंने एडवांस PF के लिए अप्लाई किया था, सिर्फ 8 दिन में बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया। 8 दिन भी नहीं बोल सकते, बीच में शनिवार संडे भी आ गया था, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दिया कि भाई शनिवार संडे अगर आ जाता है तो EPFO हॉलीडे रहता है, EPFO का संडे को, तो उसको वो काउंट नहीं करते क्योंकि वर्किंग डे नहीं रहता। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ 6 से 7 दिन में, 5 से 7 दिन में जो है PF का, जो एडवांस PF के लिए मैंने अप्लाई किया था, वो पैसा बैंक अकाउंट में मेरे क्रेडिट हो गया। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या आपने भी PF अप्लाई किया था या फिर अप्लाई कर रखा है? कितने दिन से आपका अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, कितने दिन से जो है अंडर प्रोसेस आ रहा है, या फिर आपके अकाउंट में कितने दिन में पैसा आया, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे मैं PF EPF के अलावा टेक्निकल हेल्पफुल ऐसी वीडियो लेके आता हूँ, उस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिले, उस वीडियो से आप कुछ ना कुछ सीख सको। इस तरह की रेगुलर वीडियो पाना चाहते हैं, मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मैं प्रदीप शर्मा फिर मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।